पिछले एक साल से जारी गाजा युद्ध इसराइल पर हर लिहाज से असर डाल रहा है। युद्ध की वजह से देश का आर्थिक ढांचा चरमरा गया है। पर्यटन और पोर्ट व्यापार पूरी तरह बंद हैं। दूसरी तरफ लेबनान गाजा में इसराइल की अमानवीय कार्रवाई के बाद उसे अंतर्राष्ट्रीय विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब युद्ध की वजह से देश और धार्मिक कानूनों में बदलाव करने की नौबत आ गई है। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने देश के अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को सेना सेवा में दी जाने वाली छूट को समाप्त कर दिया है। इस समुदाय के लिए 7000 नए आर्मी ड्राफ्ट ऑर्डर जारी किया गया है। ये कदम जून में इसराइल की सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उठाया गया है। जून में कोर्ट ने कहा था कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को सेना में मिलने वाली छूट नहीं दी जा सकती है। इस फैसले के बाद अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ने इसराइल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी किए थे। इसराइल में सेना के लिए कुछ साल काम करना हर नागरिक के लिए अनिवार्य है और यहाँ के कानून के हिसाब से देश को जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी भी समय सेना में भर्ती कर लिया जाता है। लेकिन अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को 1948 में इसराइल के गठन के बाद से ही इसमें छूट दी गई थी। ये छूट उनको धार्मिक पढ़ाई और धार्मिक कामों के चलते दी गई थी। इसराइल का नया आदेश देश के करीब 66,000 अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को प्रभावित करेगा जिन्हें सैन्य सेवा में अब तक छूट मिल रही है। इसराइल में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को हिब्रू में हरेदीम कहा जाता है। ये इसराइल का सबसे ज्यादा धार्मिक समुदाय है। इस समुदाय के लोग धार्मिक शिक्षा में लीन रहते हैं और सख्त जीवन शैली का पालन करते हैं, या यूं कहें कि ऐशो आराम की सुविधाओं से दूर रहते हैं। इसराइल में इनकी अपनी राजनीतिक पार्टी भी है जिसे शाश कहा जाता है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यादातर जायोनी विचारधारा के विरोधी हैं और फिलिस्तीन के लोगों के लिए अपना नरम रुख रखते हैं और उसका समर्थन भी करते हैं। बता दें कि जायोनी विचारधारा एक कट्टर विचारधारा है जो अरबों के विनाश और कई अरब देशों की जमीन पर ग्रेटर इसराइल बनाने की बात करती है। इसराइल के रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि सुरक्षा चुनौतियों और वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इसराइल इस समय गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्ला से जंग लड़ रहा है और अतिरिक्त सैनिकों की जरूरतों को देखते हुए सेना में व्यापक भर्ती की जा रही है। रक्षा मंत्री गैलेंट ने छूट समाप्त करने की घोषणा करते हुए कहा कि युद्ध और इसके साथ आने वाली चुनौतियों की वजह से सैनिकों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।